हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है बीपीएससी मेंस रिजल्ट के बारे में, 64th मेंस रिजल्ट के बारे में, जो कल का न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया पटना से जो निकलता है उसमें एक अपडेट है कि 21 तारीख से सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस ओपन हो जाएंगे। उसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के ऑफिसर्स जो हैं वो डेली वर्किंग करेंगे, और जो थर्ड एंड फोर्थ ग्रेड के हैं वो टर्न वाइज करेंगे। मींस उनकी स्ट्रेंथ जो वर्किंग की होगी वो 33% के आसपास होगी। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि बीपीएससी का कार्यालय भी वर्किंग करने लगेगा 21 तारीख से। ठीक है, एक बात हुई, एक ये एस्पेक्ट है। आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर कल का जो पटना से निकलता है। और दूसरा इसका एस्पेक्ट है कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं श्री शिशिर सिन्हा जी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से जो वर्किंग आवर्स की क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसकी आपूर्ति हम एक्स्ट्रा वर्किंग आवर करके, ओवर टाइम करके और उसको पूरा करेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि बीपीएससी 64th मेंस का रिजल्ट 1 महीना डिले होगा। 1 महीना का मतलब ये हुआ कि जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया था बीपीएससी ने, जिसमें कहा गया था कि अप्रैल के महीने में 64th बीपीएससी का रिजल्ट आएगा, उससे 1 महीना डिले होने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि या तो मई 3rd वीक या 4th वीक में बीपीएससी 64th मेंस का रिजल्ट आ जाएगा एज ऑफ नाउ, जैसा कि उन्होंने कहा। आप चाहें तो उनका ट्विटर हैंडल भी जाके देख सकते हैं, शिशिर सिन्हा साहब का। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको उनका काम करने दिया जाए और हम अपनी जो अपने ऊपर जो हमें काम करने की ज़रूरत है उसको बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी अब प्रिपेयर हो जाया जाए कि जैसे स्थिति नॉर्मलाइज होती है फिर शायद इंटरव्यू शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच।